आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य की पहली यानी कि जैविक ऑर्गेनिक मंडी कहाँ पे है। तो पहले यानी कि ऑर्गेनिक जैविक मंडी पूछिए तो राजस्थान के अंदर पूछिए, तो राजस्थान के अंदर ये डूंगरपुर के अंदर स्थित है। तो अगर डूंगरपुर का यहाँ पे क्वेश्चन आता है तो ये डूंगरपुर में है। और अगर यहाँ पे भारत का पूछा जाए कि भारत के अंदर ऑर्गेनिक खेती कहाँ पे होती है तो सिक्किम राज्य के अंदर होती है। सिक्किम राज्य के और जो ये डूंगरपुर है वो इसकी तरफ पे यानी कि सिक्किम की तरफ पे ऑर्गेनिक मंडी स्थापित की गई है। और यहाँ पे जो डूंगरपुर है, डूंगरपुर के अंदर 80% पॉपुलेशन है वो जैविक खेती पे निर्भर है, इसलिए यहाँ पे जैविक ऑर्गेनिक मंडी रखी गई है। और उसके बाद में हमारा कि झूमिंग खेती या वाला खेती, तो झूमिंग खेती क्या होती है और वाला खेती क्या होती है। तो झूमिंग खेती ये होती है, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि दक्षिण राजस्थान के पहाड़ी पहाड़ी भाग व आदिवासी क्षेत्रों क्षेत्रों में जंगलों को काटकर की गई खेती खेती। वैसे तो झूमिंग खेती हम नॉर्मल समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाना झूमिंग खेती कहलाता है, लेकिन अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो ये होगा कि अगर क्वेश्चन जैसे भी जा सकता है घुमा के कि दक्षिण भाग यानी कि दक्षिण राजस्थान के पहाड़ी भाग में वह आदिवासी क्षेत्रों में किए मैं जंगलों को काटकर की जाने वाली खेती को क्या कहते हैं, तो झूमिंग खेती कहते हैं। तो ये झूमिंग खेती के दो प्रकार है, तो जो बीज जाती है यानी कि बीजों द्वारा की जाती है उसको तो झूमिंग तजिया और चिमाता तीन नाम दिए गए हैं। अगर किसी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए कि बीजों द्वारा खेती की गई उसको क्या कहते हैं, तो झूमिंग खेती भी कहते हैं, दजिया भी कहते हैं और चिमाता खेती भी कहते हैं, यानी कि इनको तीन कहते हैं। और आदि यहाँ पे वालरा आ गया साथ में, तो जो आदिवासी है यहाँ पे जो आदिवासी नाम आया है वो वालरा खेती जो आदिवासी लोग करते हैं उनको वालरा खेती कहते हैं। उसके बाद में है हमारा क्वेश्चन ये आता है कि तो ये झूमिंग खेती है तो ये भारत के अंदर कहाँ पे की जाती है, तो भारत के अंदर ये मणिपुर और मेघालय के अंदर की जाती है। अगर भारत से अगर क्वेश्चन उठ किया जाए तो मणिपुर और मेघालय में की जाती है। और इस खेती को भारत के अंदर अग्नि द्वारा निर्मित खेती भी कहते हैं, अग्नि द्वारा क्योंकि अग्नि द्वारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो घास फूस होते हैं उनको जला के खेती की जाती है, इसलिए इनको अग्नि खेती कहा जाता है। राजस्थान राज्य के अंदर यानी कि राजस्थान राज्य के अंदर पूछा जाए कि जलवायु खंड कितने हैं, जलवायु खंड तो जलवायु खंड है वो 10 है, 10 हो गए। उसके बाद में हमारा कि होबा वह जोजोबा क्या है, आपने पहले भी ये सुना होगा होबा और जोजोबा क्या है, तो ये एक प्रकार का प्लांट है होबा और जोजोबा। तो ये कहाँ पे उगाया जाता है, प्लांट, और ये इजराइल के अंदर उगाया जाता है। ये सिर्फ आप सोच रहे होंगे कि ये तो वर्ल्ड का आ गया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ओबा और जोजोबा से पूछा गया है। तो यहाँ पे जो ओबा और जोजोबा है इसका इनसे तेल निकाला जाता है, यानी कि इनके जो फल होते हैं फलों से तेल निकाला जाता है, फलों से तेल। और इसका तेल वायु यानो ईंधनों और बिजली के इंडिकेटरों में किया जाता है, बिजली के में किया जाता है। तो यानी कि ओबा और जोजोबा का क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ सकता है। तो ये क्वेश्चन इसीलिए विश्व का लिया गया है क्योंकि ये हमारे राजस्थान से रिलेटेड रहता है, क्योंकि वायुयानों में भी ये थोड़ा हाई क्वेश्चन है उस वजह से है। उसके बाद में आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान राज्य की
राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी है कि राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी फल व सब्जी मंडी कहाँ पे है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन है वो घुमा फिरा के पूछा गया है कि फल व सब्जी मंडी। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि फल सब्जी फल मंडी पूछा जाता है और सब्जी मंडी पूछा जाता है, तो यहाँ पे दोनों का पूछा गया है। तो दोनों का है राइट आंसर कि मुहाना मंडी, मुहाना मंडी। और ये मुहाना मंडी है वो जयपुर के अंदर आती है। तो जयपुर का क्वेश्चन मैंने बताया था आपको कि जयपुर से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो ये जयपुर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में हमारा कि प्रदेश में प्रदेश का पहला गर्ल्स एग्रीकल्चर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये 12 डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला जाएगा। वैसे तो काफी सारे हैं लेकिन यहाँ पे पूछा सिर्फ गर्ल्स से है, तो गर्ल्स का है वो 12 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला जैविक खेती अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो अनुसंधान केंद्र है वो झालावाड़ के अंदर स्थित है, झालावाड़ यानी झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। और उसके बाद में है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा हमारा कि राजस्थान राज्य का फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज, तो फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है वो एस के आर यू। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये एस के आर यू का नाम क्यों लिया गया, तो इसको तो 1985 के अंदर ही ओपन किया गया था, लेकिन जो एस के आर यू है ये पहले उदयपुर के अंदर आर ए यू के नाम से प्रख्यात हुई थी, उस वजह से एस के आर यू को नाम सबसे पहले खोला गया था। उसके बाद में इसको उदयपुर के अंदर वहां से उठ के ये उदयपुर से बीकानेर के अंदर आ गई। एस के आर यू अभी फिलहाल वर्तमान में बीकानेर में है, लेकिन उस टाइम में सर्वप्रथम उदयपुर के अंदर थी, और अब जो आर ए यू का नाम चेंज के एस के आर यू कर दिया और उदयपुर के अंदर एम पी यू ए डी यानी कि महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से प्रख्यात है। उसके बाद में है देश का पहला ट्रेंडिंग सेंटर कहाँ पे है? तो यानी कि देश का पहला ट्रेंडिंग सेंटर है, देश का पहला ट्रेनिंग सेंटर, तो पहला ट्रेनिंग सेंटर है वो उदयपुर यानी कि एमपीयूटी के अंदर स्थापित है, जिसके अंदर यानी कि जो वैज्ञानिक और प्रोफेसर हैं, वैज्ञानिकों और प्रोफेसरों को इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो खजूर अनुसंधान केंद्र है वो बीकानेर के अंदर स्थापित है, बीकानेर के अंदर स्थापित है। उसके बाद में यानी कि बीकानेर के अंदर सर्वाधिक इसका उत्पादन होता है खजूर का, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए कि खजूर कहाँ पे होता है, तो बीकानेर के अंदर सर्वाधिक प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में है राजस्थान राज्य के अंदर, राज्य के अंदर खजूर की खेती, खजूर की खेती करने को कहते हैं, खेती करने को कहते हैं। हमारा क्वेश्चन ये है कि राजस्थान राज्य के अंदर खजूर की खेती करने को क्या कहते हैं? तो राजस्थान के अंदर जो खजूर की खेती करते हैं उनको हिलावी के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो खजूर की खेती करते हैं उनको हिलावी का नाम दिया जाता है। उसके बाद में है कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र यानी कि राजस्थान का केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये दुर्गापुरा के अंदर स्थित है, दुर्गापुरा के अंदर स्थित है। और दुर्गापुरा है ये जयपुर के अंदर आता है, तो मैंने काफी सारे बोला है कि जयपुर के काफी सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इसमें ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद में हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है अनुसंधान केंद्र, तो सरसों अनुसंधान केंद्र है वो सेवर, यानी कि सेवर है वो भरतपुर के अंदर स्थित है। तो इसको आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता देता हूँ कि केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो तो सेवर में है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि ऑप्शन दे दे, एक में सेवर, दूसरे में भरतपुर और तीसरे में अजमेर और चौथे में इनमें से कोई नहीं, तो इसमें से हम भरतपुर नहीं करेंगे, इसमें से सेवर करेंगे। अगर यहाँ पे सेवर की जगह कुछ अदर नाम आता है तो हम भरतपुर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल जो दुर्गापुरा यानी सॉरी इसमें जो सरसा अनुसंधान केंद्र है वो सेवर के अंदर स्थापित है, उस वजह से पहले सेवर का नाम आएगा उसके बाद में भरतपुर का नाम आता है। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा फिर आके भी दे सकते हैं, तो आप ध्यान से देख लेना। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा सरसों अनुसंधान केंद्र है अनुसंधान केंद्र, तो इसकी स्थापना पूछी जाए तो स्थापना है वो 20 अक्टूबर 1993 के अंदर भरतपुर के अंदर की गई थी। तो वैसे तो मैंने बता दिया भरतपुर में, लेकिन यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि स्थापना कब हुई थी तो सीधा स्थापना में आता है 20 अक्टूबर 1993। लाइक कीजिए और इसी तरह की डेली अपडेट के लिए वीडियो को शेयर करना और कमेंट करना कि हमारी वीडियो कैसी लगी। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो लेके आता रहूंगा, और जो फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये हमारी वीडियो का पार्ट फर्स्ट है, तो हमारी पार्ट सेकंड आने के लिए वीडियो का इंतजार करते रहिए, क्योंकि पार्ट सेकंड कल हम वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा। और काफी सारे कमेंट आए थे कि सर लाइव क्लास के वीडियो का लिंक दे दो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइव क्लास का है वो ए टू जेड एग्रीकल्चर चैनल, आप सर्च करते ही फर्स्ट में चैनल आएगा, आप उस पर लाइव क्लास लगा सकते हो। और इसका जो लिंक है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फर्स्ट कमेंट के साथ में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इस पर विजिट कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।